Your petty cash to homework. Sir, see. हाँ ये बोलने की उसने इसको भी इसको नहीं मिला है ठीक है और पेटी कैश बुक लेवल सब वो ऐसे है और कौन है ईशा ने किया होगा निकालो पेरेंट्स का नहीं किया सुहा ने नहीं किया ईशा ने नहीं किया यहाँ से सेट एंड डू इट आपके लिए हु एल्स हैज डन यश ने किया देखना पड़ेगा हैंड नहीं किया आयुष किया बताओ भी स्नेह किया नम्र ने किया रॉन्ग है आंसर चेक करो टैली करो आई डिस्कस्ड इट इन क्लास जस्ट नाउ जस्ट टेक द आंसर ट्रिपल टू फाइव इज द फाइनल आंसर ट्रिपल टू फाइव व्हाट यू गेट इन द न्यू योर न्यू पीरियड्स कैश ओके दोज यू हैव नॉट डन सिक्स ऑफ यू हैव टू सिट आफ्टर द लेक्चर एंड डू द सम नितिन ने किया ईशा शोएब को थैंक यू यस सर एले वापस खाते एले और फिर वॉट द शीट्स शीट्स मिला सबको अभी मत करो स्टार्टिंग विद बीआर है सुहानी ऑलमोस्ट अननेसेसरी विद स्टार्ट आल्सो 5 मिनट्स इट विल टेक डोंट वरी ज्यादा टाइम नहीं खाए आफ्टर द लेक्चर 5 मिनट्स विल टेक कितने बजे 10:30 बजे लेक्चर इज एट 10:45 11 10:45 11 45 मिनट्स विल बी गोइंग स्टार्टिंग विद अ न्यू टॉपिक कॉल्ड बैंक रिकंसिलिएशन साइलेंट मोड पे स्टार्टिंग विद बीआर इज ओके सी व्हाट इज बैंक रिपोर्ट स्टेटमेंट See, what is bank reconciliation statement? And why do we prepare it? Okay, understand this. We have learned cash book. We have learned cash book already. All of you know this. Okay. Cash book has what columns? Cash and bank. Two columns of cash book is what we have learned, right? So, if you have cash, then cash column is recorded. If you have check, then bank column is vice versa. Payment, if you have cash, then cash check, then bank. Barabar? Abhi, there is something called as passbook. How many of you know about passbook? Everyone, what is passbook? Bank enters the transaction which we do with bank. जो bank के transaction है, bank also enters. In which book? Passbook. Okay. So passbook is maintained by bank. Cash book is maintained by us. That is the businessman. Sorted? Okay. Now,
पासबुक में कौन से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं, कैश वाले या बैंक वाले? ऑब्वियसली बैंक वाले. तो इन अवर कैश बुक रिमेम्बर वी हैड टू कॉलम्स, कैश एंड बैंक, राइट? सो वॉट एवर एंट्रीज वी एंटर इन द कैश कॉलम, वो बैंक को कोई लेना देना नहीं है उससे, बैंक उससे कोई रिलेटेड ही नहीं है, तो बैंक को फर्क भी नहीं पड़ता है, वो कुछ रिकॉर्ड करने वाला नहीं है. तो कैश को उड़ा दो, मैं यहाँ पे खाली बैंक कॉलम कंसिडर कर रहा हूँ. कौन सा कॉलम कंसिडर कर रहा हूँ? बैंक. तो सिंपल फॉर्मेट बना OJF, अपना LF, RNO, VNO सब उड़ा दिया. ओके, सिंपल फॉर्मेट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, सिंपल फॉर्मेट. ओके, नाउ दिस is my cash book with only bank column. We know very well that debit side is the receipt side and credit side is the payment side, right? So now whatever transactions we enter in the cash book, bank column. Hum jo bhi entries kar rahe hai, cash book ke bank column. Can I say bank also is making the same entries? In which book? Passbook. Okay. But this is suppose your passbook with a बैंक कॉलम, पासबुक विल ऑब्वियसली हैव ओनली वन कॉलम दैट इज बैंक कॉलम, उसको कैश ट्रांजैक्शन से कोई लेना देना नहीं है. दिस इज द डेबिट, दिस इज द क्रेडिट साइड. ओके, बट देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन द साइड्स ऑफ कैश बुक एंड साइड्स ऑफ पासबुक. यू नो दिस, व्हाट इज द डिफरेंस? द डेबिट साइड ऑफ कैश बुक इज क्रेडिट साइड ऑफ पासबुक एंड द क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक इज डेबिट साइड ऑफ पासबुक. बोले का मतलब अपना डेबिट इज रिसीट तो बैंक का क्रेडिट इज रिसीट, ऐसा सीन. एंड अपना डेबिट, सॉरी अपना क्रेडिट इज पेमेंट्स, सो बैंक का डेबिट इज पेमेंट. दिस इज द सिचुएशन. देखो सीन क्या है, ऐसा क्यों होता है, बिकॉज वी हैव डिस्कस्ड इट अर्लियर ऑल्सो. वी आर थिंकिंग फ्रॉम आवर पॉइंट ऑफ व्यू, बैंक इज थिंकिंग फ्रॉम देयर पॉइंट. सो वेन वी पुट द मनी, जब अकाउंट ओपन करते वक्त पहला ट्रांजेक्शन करते हैं हम लोग बैंक के साथ, वेन वी पुट द मनी इन द बैंक, बैंक बिकम्स आवर डेटर. पैसा लेना बाकी है, बैंक विल थिंक फ्रॉम इट्स पॉइंट ऑफ व्यू कि हम उसके क्रेडिटर है, उसने हमें पैसा दिया, हमें उसे देना. तो वेन वी डेबिट बैंक क्रेडिट्स अवर अकाउंट, वेन वी डेबिट बैंक, बैंक क्रेडिट्स अवर अकाउंट, एंड वेन वी क्रेडिट बैंक, बैंक विल डेबिट अवर अकाउंट. व्हाई यू गॉट इट? हम लोग बैंक कब क्रेडिट करते हैं? व्हेन वी मेक एनी पेमेंट, करेक्ट? तो व्हेन वी आर मेकिंग सम पेमेंट तो हम क्या करते हैं, बैंक इज द गिवर, क्रेडिट द गिवर. और बैंक क्या सोचेगा, ये पैसा लेके गया तो ही इज द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर. आर यू गेटिंग दिस? सो व्हेनेवर वी डेबिट बैंक क्रेडिट एंड व्हेनेवर वी क्रेडिट बैंक, खाली डेबिट क्रेडिट ऑपोजिट, रिसीट पेमेंट का फंडा सेम है, बैंक अपना ही है. पैसा आया तो कैश बुक का भी रिसीट है, पासबुक का भी रिसीट ही है. और पैसा गया मतलब कैश बुक में भी पेमेंट है, पासबुक में भी पेमेंट ही है, वो सब सेम ही रूल है. मतलब यू आर गेटिंग मनी, ऑब्वियसली यू डिपॉजिट द चेक, मतलब बैंक ऑल्सो गेट्स मनी, बोथ ऑफ अस आर गेटिंग मनी, अपना ही अकाउंट है. रिकॉर्ड दो बुक्स में हो रहा है, वन रिकॉर्ड इज इन कैश बुक, वन रिकॉर्ड इज इन पासबुक. आर यू गेटिंग दिस? बट द साइड्स आर ऑपोजिट, अपना डेबिट इज बैंक का क्रेडिट, अपना क्रेडिट इज बैंक का डेबिट. ये बैठा दिमाग में पक्का, क्यों ऐसा होता है वो समझा? ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट. सो कैन आई से व्हाटएवर एंट्रीज द बिजनेस और वी रिकॉर्ड इन द कैश बुक ऑन द रिसीट साइड, डेबिट साइड, द सेम एंट्रीज बैंक विल रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड, रिसीट साइड, राइट? एंड व्हाटएवर एंट्रीज वी रिकॉर्ड ऑन द पेमेंट साइड, बैंक विल ऑल्सो रिकॉर्ड द सेम एंट्रीज ऑन द पेमेंट साइड, डेबिट साइड. यस ऑन, ये चल ही रहा है बराबर. ओके, नाउ लेट अस टेक एन एग्जांपल. आई गॉट अ चेक फ्रॉम अरुण ऑफ 50,000. अरुण से मेरे को 50,000 रुपए का चेक आया, ठीक है, और मैंने सेम डे बैंक में डिपॉजिट किया. आई गॉट अ चेक फ्रॉम अरुण, डिपॉजिटेड विद बैंक ऑन द सेम डे, ठीक है. व्हाट शुड बी द एंट्री? बैंक टू अरुण. वी विल एंटर इट इन विच बुक? कैश बुक. Receipt side, cash book receipt side. Let us say the check was received on 2nd January 2019. 2 January ko check aaya, theek hai? To Arun, I will pass this entry to Arun account. How much? 50,000 in bank call. This I am taking into consideration only bank call. Cash maine likha hi nahi hai. Okay. Same entry will be done by the bank also, but on which side?
क्रेडिट साइड बिकॉज उसका रिसीट इज क्रेडिट बायर ओके बायर परफेक्ट कैन दिस एंट्री हैपन ऑन द सेम डेट दैट इज सेकेंड जैन इज इट पॉसिबल एग्जैक्टली सी हम यहाँ पे कैश बुक में व्हेन डू वी एंटर दिस ट्रांजैक्शन व्हेन वी रिसीव दैट डिपॉजिटेड द चेक मेरे को चेक मिला मेरा अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में मैंने गया डिपॉजिट किया कैश बुक लिया एंट्री पास की बैंक टू अराउंड 15,000 ठीक है क्या उसी दिन साइमल्टेनियसली पासबुक में एंट्री दिख जाएगा चेक को क्लियर करने में टाइम लगता है हाउ डज द क्लियरिंग मैकेनिज्म वर्क्स मैं चेक दिया क्लियरिंग के लिए निकलता है पता छप्पी लेके 12 बजे निकल जाता है वो दैट गोज टू क्लियरिंग हाउस इज आरबीआई का ब्रांच आरबीआई के ब्रांच में सब बैंक के चेक्स मिलते हैं वहां पे दे कोऑर्डिनेट विद द अदर बैंक के हाँ भाई तुम्हारे बैंक का चेक आया फिर उसका बैंक से डेबिट होगा मेरा बैंक में क्रेडिट होगा दिस प्रोसेस टेक्स अराउंड 1.5 to 2 days बीच में हॉलीडे आ गया तो 3 दिन एक और हॉलीडे आ गया तो 4 दिन आर यू गेटिंग दिस सो चेक सेम डे कभी भी क्लियर यू नो दिस राइट यूपीआई पेमेंट है एनईएफटी 4 घंटे में होता है आरटीजीएस 3-4 घंटे में आरटीजीएस सॉरी 3-4 घंटे में एनईएफटी तो इमीडिएटली हो जाता है आधे घंटे में हो जाता है यूपीआई तो विद इन मोमेंट्स हो जाता है इंटरनेट बैंकिंग बट द चेक्स दे टेक टाइम टू गेट क्लियर आर यू गेटिंग दिस सो यहां पे आया टू अरुण तो यहां पे भी आया बाय अरुण बट नॉट ऑन द सेम डे इट मे बी ऑन 4th or 5th of January कैन आई सी दिस पक्का समझा ओके लेट अस टेक अनदर एग्जांपल आई इश्यूड अ चेक टू विजय ऑफ 10,000 rupees विजय को मैंने 10,000 का चेक दिया पे किया ठीक है मैं कभी एंट्री करूंगा कैश बुक में अकॉर्डिंग टू व्हेन आई शुड पास द एंट्री कैश बुक व्हेन आई इश्यू विजय आया मेरे ऑफिस में मैंने उसको चेक फाड़ के दे दिया 10,000 कैश बुक था मैंने रिकॉर्ड कर दिया विजय टू बैंक सो आई रिकॉर्ड इट एज बाय विजय अकाउंट यस ऑर नो हाउ मच 10,000 बैंक कॉलम लेट अस से द डेट इज 16th Jan ठीक है विल नॉट अच्छा बैंक भी एंटर करेगा पासबुक में करना ही है उसको काम ही वही है उसका टू विजय अपना रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है बैंक सो टू विजय 10 विल दिस हैपन ऑन द सेम डे नो 18 अच्छा मे बी 18 मे बी आफ्टर दैट ऑल्सो वाई सो कैन यू टेल विजय ने बाद में डिपॉजिट किया मेरे हाथ में थोड़ी है विजय कब डिपॉजिट कर आई गेव अ चेक टू विजय विजय चला गया घर पे और चला गया देवलाली हॉलीडे था उसका बाकी 3 दिन के लिए सॉरी आपने भी डेट तो लिखा रहेगा मैंने आज का ही डेट डाला इसलिए तो मैंने आज इश्यू करके डाल दिया 16 जान का डेट 3 महीने का लिमिट रहता है चेक का चेक कैन स्टैंड फॉर 3 मंथ आफ्टर दैट इट बिकम स्टेल यस और नो ओके सो विजय ये होता है प्रैक्टिकल नॉट नेसेसरी आज ही जगह आज ही डिपॉजिट हो जाए मे बी 16 Jan इज अ सैटरडे बैंक आर क्लोज नेक्स्ट डे संडे बैंक आर क्लोज इवेंट ऑन 18, 19, 20 आई डोंट नो So that depends on Vijay. He has 3 months to clear that check, to deposit in his bank. Are you getting this? So, the point is important. When are we entering the transaction and when the bank is entering the transaction? That point is important. That date, time is important. Ye deposited check, hum kab enter karte hain? When we deposit the check in the bank. Yes or no? Cash book kiya na? Jab bank mein deposit karoge, tab bank debit karoge. Usse pehle? जिस दिन डिपॉजिट होता है उस दिन यू एंटर द ट्रांजैक्शन यस और नो आर यू गेटिंग दिस अच्छा बैंक कब एंटर करेगा जब चेक क्लियर होएगा क्रेडिट होएगा तब करेगा पासबुक अच्छा अभी हम इश्यू कर रहे हैं इश्यू करने का मतलब पे कर रहे हैं तो व्हेन विल वी एंटर द एंट्री इन द कैश बुक व्हेन वी एक्चुअली पे हिम द चेक डेट जो लिखा है वो डेट पे हम कर देंगे 16 Jan का डेट वो भी अभी डिपॉजिट 1-2 दिन बाद किया उसके बाद 1-2 दिन बाद क्लियर हुआ So maybe this check gets cleared on 20th of Jan 2019. हो सकता है 20, 21, 22 भी हो सकता है. Date is on our discretion. हम जब भी इतना कोई भी date. नहीं, नहीं. अरे पर 2-3 दिन का आगे कुछ भी कर सकते हैं ना. अरे बाबा, हम ये बना नहीं रहे. ये तो मैं समझा रहा हूँ कंसेप्ट. ये बनाना नहीं है. I am telling you कि ये कब होता है. विजय सपोज 2 दिन बाद बैंक में गया. उसके 2 दिन बाद क्लियर हुआ. तो तब जाके एंटर होगा एग्जाम्पल ले रहा हूं ओके समझो इसको अंडरस्टैंड इट बनाना अपने आप यू विल लर्न ओके बीआरएस इज नॉट दिस दिस इज कैश बुक दिस इज पासबुक इसको रिकंसाइल करना दैट इज बीआरएस ओके दैट्स द नेक्स्ट पार्ट ओके
Now, take another example. Suppose there are standing instructions given to bank. What are standing instructions, you know? ये पे कर दो, वो पे कर दो, ये रिसीव कर दो, वो रिसीव कर दो, ठीक है? मैंने बैंक को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दिया, मेरा महीने का इलेक्ट्रिसिटी बिल आपको आएगा, एड्रेस दिया हुआ है बैंक का, यू गेट द बिल, यू पे द बिल. बैंक विल चार्ज ऑब्वियसली सम चार्जेस, सर्विस चार्जेस, बैंक चार्जेस, ठीक है? सो आई हैव टोल्ड बैंक, जब भी इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा इमीडिएटली पे ऑफ कर देना, ठीक है? अब मुझे एक बात बताओ, इलेक्ट्रिसिटी बैंक में, इलेक्ट्रिसिटी बिल आया बैंक में 26 जनवरी को आ गया. कब आया? 26 जनवरी को बिल आया और बैंक ने वो बिल पे कर दिया. 26 जान को बैंक पेड दैट बिल. पहले कौन से बुक में एंट्री आएगा? पासबुक में आएगा कि कैश बुक में? पासबुक में आएगा एग्जैक्टली, क्योंकि बिल्स का डेट कभी आगे पीछे हो जाता है, कभी 26, कभी 27, कभी 25, एक आध दिन आगे पीछे आते रहते हैं बिल्स. 26 जान को बिल आया, पासबुक में आया, बैंक पेड इट. अच्छा, बैंक कौन से साइट पर अकाउंट करेगा? यहाँ पे करेगा. टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस करेगा, येस और नो? लेट अस से द बिल वॉज 2000 रुपीज, दिस इज ऑन 26 जान. अच्छा, हो सकता है मुझे आइडिया आ गया, SMS आ गया कि बिल 26 को आया है. आई मे पास द एंट्री ऑन द सेम डे और आई मे पास इट मे बी ऑन 27th और 28th. इट इज पॉसिबल. आर यू गेटिंग दिस? सो अगर SMS आ गया सेम डे करूंगा, अगर एक दो दिन बाद आया तो मे बी वन डे लेटर आई डू. सो आई पास योर बाय इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट, दिस इज 2000. व्हेन विल दिस हैपन? व्हेन द बैंक पेज दिस इलेक्ट्रिसिटी, यस और नो? बैंक जब पे कर रहा है तब थोड़ा आगे पीछे हो सकता है. हम तो पे करते हैं तो प्रॉब्लम ही नहीं है, हम जिस दिन पे करेंगे हम रिकॉर्ड कर देंगे. ओके, फिर बैंक को इंटीमेट कर देंगे तो पासबुक में भी एंट्री ऑटोमेटिकली जब क्लियर होगा चेक तब आ जाए. अभी सपोज बैंक ने इंटरेस्ट कलेक्ट किया इन्वेस्टमेंट पे या डिविडेंड कलेक्ट किया स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन के हिसाब से. मैंने बोला था बैंक को मेरा डिविडेंड आएगा, बैंक डायरेक्टली कलेक्ट कर लेना. दैट डिविडेंड केम ऑन से 29th of January को डिविडेंड आया. हु विल एंटर द ट्रांजैक्शन फर्स्ट? पासबुक में आएगा. डेबिट साइड और क्रेडिट? क्रेडिट साइड. रिसीट बाय डिविडेंड. लेट अस से द डिविडेंड इज 5000. ओके, दिस इज हैपनिंग ऑन 29 January. नाउ सेम एंट्री आई विल आल्सो पास. सपोज आई गेट एन इंटीमेशन ऑन द सेम डे, वेल एंड गुड. नहीं मिला एक दिन बाद, सपोज सेम डे इंटीमेशन आ गया तो मैंने 29 January को ही पास कर दिया टू डिविडेंड अकाउंट 5000. सेम डे आई पास दे, यस और नो? अभी आई एम क्लोजिंग डाउन द बुक्स फॉर द मंथ. मंथ हो जाता है, वी बैलेंस इट, करेक्ट? वी बैलेंस्ड कैश बुक, यू नो दिस, डेबिट माइनस क्रेडिट. व्हाट आर माय रिसीट्स? 55,000. व्हाट आर माय पेमेंट्स? 12. सो आई गेट अ बैलेंस ऑफ आई थिंक 43,000. दिस इज बाय बैलेंस सीड ऑन 31st January 2019. यस और नो? इज दिस डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस? How do you define a balance? When debit side is greater than credit side. So this is which balance? Is this bank balance or it is overdraft? Bank balance. Now let us balance the passbook. This is 55,000. This is 55,000. Minus 12, I get what? 43,000. Arey babre, same answer. This is two balance CD. Okay? Same answer hi aayega na? क्योंकि मैंने दोनों बुक्स में सेम ट्रांजेक्शन किए हैं. बट विच बैलेंस इज दिस? डेबिट बैलेंस और क्रेडिट? होना ही है, क्योंकि यहाँ डेबिट बैलेंस है तो उधर क्रेडिट बैलेंस ही होगा. डज इट मीन हियर इट इज ओवरड्राफ्ट? नो, दिस इज बैंक बैलेंस. पासबुक का क्रेडिट इज रिसीट, कैश बुक का डेबिट इज रिसीट, यस और नो? तो अपना डेबिट है, मतलब बैंक का क्रेडिट बैलेंस ही आने वाला है और सेम ही आना चाहिए ऑन 31st January 2019. यहां तक समझ रहे हैं? पक्का बैठ रहा है दिमाग में? पक्का समझा? क्या किया मैंने? जो एंट्रीज मैंने कैश बुक डेबिट में किया वो एंट्री बैंक पासबुक के क्रेडिट. जो एंट्री मैंने कैश बुक के क्रेडिट में की पासबुक में डेबिट में, सभी एंट्रीज दोनों बुक में है तो बैलेंस सेम ही आएगा. ये सुनो, खाली नेचर ऑफ बैलेंस वुड बी डिफरेंट. मेरा डेबिट होगा बैंक का और मेरा क्रेडिट होगा बैंक का. अगर ये बैलेंस सेम आ रहा है तो झंझट ही नहीं है. BRS बनाने की कोई जरूरत नहीं है. बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ही चला गया आउट ऑफ टॉपिक सिलेबस, करने की जरूरत है ही नहीं. इफ द बैलेंस इज सेम, बट दैट डज नॉट हैपन यूजुअली. दैट डज नॉट हैपन यूजुअली. ये बैलेंस सेम नहीं होता, अलग हो जाता है. सेम नहीं होता, अलग हो जाता है. भैया क्यों अलग हो जाता है? लेट अस सी दैट. सपोज
सिचुएशन ऐसी थी ओके okay? अभी ध्यान से देखना बोल लेट अस टेक दिस अरुण चेक वी गॉट दिस चेक वी डिपॉजिटेड दिस चेक ऑन विच डेट 2nd of January अच्छा एंड इट गॉट क्लियर ऑन 4th of January आफ्टर टू डेज नाउ सपोज वी आर गेटिंग अनदर चेक फ्रॉम राम ऑफ 15,000 राम से 15,000 रुपए का चेक ऑन 30th of January कभी आया 30th of January राम से चेक मैंने सेवन डिपॉजिट कर दिया था क्या एनजीओ पूरा कौन से बुक में आएगी कितना 30,000 कभी मैं जिस दिन डिपॉजिट किया उस दिन एंट्री कर देगा मैं करेक्ट हो नो अच्छा क्लियर होने में विल दिस एंट्री कम इन द पासबुक इन द सेम क्या हो जाएगा फरवरी में जाएगा पक्का तो जब ये महीने का बैलेंस करूंगा जनवरी को बैलेंस करना पड़ेगा पहले तो जब ये महीने का बैलेंस करेंगे क्या सीन हो जाएगा दिस इज 85 यस और नो दिस इज व्हाट 73,000 बाय बैलेंस सीडी विल इट बी 73 ओवर हियर इधर तो सेम ही है अपना 43 ना 55 माइनस 12 यस और नो चेंज हो गया कि नहीं हो गया ना इधर कितना है 73 इधर कितना है 43 डिफरेंस थर्टी का चेक आया राम से मैंने रिकॉर्ड किया बैंक ने रिकॉर्ड नहीं तो आई रिकॉर्डेड ऑन 30th क्यों बैंक ने नहीं किया टिल जैन यू अंडरस्टूड बिकॉज ईयर होने में थोड़ा टाइम लगता होगा एंट्री ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा होगा बट इट विल हैपन इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी सो वन रीजन व्हाट हैपेंड हियर बैलेंस इज 73 इट इज 43 तो बैलेंस चेंज हो गया तो बीआरएस इसीलिए बनता है बीआरएस किसके लिए बनता है कि भैया ये बैलेंस जो है कैश बुक का और ये पासबुक का ये अलग है तो ये अलग क्यों है इसका रीजन क्या है उस रीजन की लिस्ट जब हम रेडी करते हैं दैट लिस्ट इज कॉल्ड एज बीआरएस That list is called as BR. So what is bank reconciliation statement? It is nothing but list of reasons of difference. List of reasons of difference between balance as per cash book and balance as per deposit. ये balance अलग क्यों हुए? इसकी list is called as BR. अब मैंने एक reason लिया यहाँ. This is one reason. What is that one reason? ये राम का चेक कैश बुक में रिकॉर्ड हुआ है लेकिन पासबुक में रिकॉर्ड नहीं दिस इज वन रीजन वन ऑफ द रीजन जरूरी नहीं है एक ही रीजन देयर मे बी मल्टीपल रीजंस ड्यू टू विच द बैलेंस में डिफर देयर मे बी मल्टीपल रीजंस ड्यू टू विच द बैलेंस में डिफर अभी ये सिंगल रीजन का बीआरएस कैसे बनेगा देखो दिस इज सिंगल रीजन का बीआरएस बीआरएस लुक्स लाइक दिस विल प्रिपेयर इट इन प्रॉपर फॉर्मेट एंड ऑल एवरीथिंग रफ में खाली अंडरस्टैंड इट व्हाट आई विल डू आई विल स्टार्ट विद द बैलेंस एज पर कैश बुक इज इट डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट बैलेंस है ना डेबिट इज ग्रेटर देन क्रेडिट विच इज हाउ मच 73,000 ठीक है व्हाट इज द बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक इज आई थिंक 43,000 यस और नो 73 से 43 पे जाना है तो कुछ प्लस करना है 30 के माइनस करना है माइनस करना है तो मैं ऐसा करूंगा माइनस चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर 30,000 बस दिस इज योर बीआरएस खत्म ये बीआरएस व्हाट इज अ बीआरएस बीआरएस इज नथिंग नॉट एन अकाउंट नॉट जर्नल नॉट लेजर नथिंग नॉट अ पार्ट ऑफ रेगुलर अकाउंटिंग प्रोसेस व्हाट्स योर रेगुलर अकाउंटिंग प्रोसेस इट्स जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस फाइनल That's your process, right? This is not a process only. This is just for our own concern we prepare it. Okay? Why do we prepare it? क्या है ये? ये सिर्फ list है. तुम बना दो ना list. खाना का ये मेनू का list है. ये order है. Shop market में ये लेके जाने का है. इसी list है. किसकी list है? किसकी list है? Difference इसकी list है. किसके डिफरेंस की लिस्ट है जिस डिफरेंस की वजह से बैलेंस एज पर कैश बुक एंड पासबुक डिड नॉट टैली
तो यहाँ पे मैंने रिकंसाइल किया। रिकंसाइल करने का मतलब कि मैंने देखा भाई ये 73 है, ये 43 है, क्या था प्रॉब्लम, ये 30 का चेक हो गया टैली अभी, यही रीजन था, और कुछ तो रीजन नहीं है। अगर ये 30 को एडजस्ट करने के बाद भी आई एम नॉट गेटिंग 43 सपोज, तो मतलब कुछ जोर जपाट है। तो इट हेल्प्स इन डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड्स और एरर्स, इट ऑल्सो हेल्प्स इन डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड्स और एरर्स। सपोज ये चेक था 30 का, 73 का, ओके, और पासबुक का बैलेंस इज नॉट 43, पासबुक का बैलेंस इज 40, पासबुक का बैलेंस इज 40, मतलब और 3 का झोल हुआ है। नहीं, बैंक चार्जेस तो दिख जाएगा अपने को, जो है मतलब कोई तुम्हारा कैशियर है, उसने एक एंट्री मार दी कि आई डिपॉजिटेड 3000 इन बैंक, आई डिपॉजिटेड 3000 इन, बट किया ही नहीं है, खुद लेके क्या घर पे, तो पासबुक में एंट्री है ही नहीं। आर यू गेटिंग दिस? कैश बुक में बैंक टू कैश का मार दिया उसने, बोला मैंने कैश बैंक में डाला, लेकिन एक्चुअली उसने वो पैसा कफू चक्कर कर लिया। तो आई कैन इजिली डिटेक्ट वेदर देर इज अ फ्रॉड और, तो सर मिस्टेक से हम लोग से होते हैं, बैंक से ये मिस्टेक नहीं था, ये फ्रॉड था। हाँ, ये फ्रॉड है ना, बैंक नहीं कर सकते, अभी बैंक भी कर सकता है मिस्टेक, नो प्रॉब्लम, नो डाउट एट ऑल, बट इफ नथिंग इज गिवन इन अ पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन दैट बैंक का ही मिस्टेक, ऐसा कुछ नहीं दिया, वी अज्यूम दैट द मिस्टेक इज डन बाय इन द कैश, इज इट क्लियर? मिस्टेक्स फ्रॉड्स पे भी आएंगे। आर यू गेटिंग द रीजन वाई आर यू डूइंग दिस? डिफरेंस टैली करने के लिए, अगर फिर भी टैली नहीं हो तो फ्रॉड एरर पता चल जाता है। तो अल्टीमेटली अपने यहाँ पे फ्रॉड एरर मिलेगा नहीं, अपने को सब लिस्ट दिया रहेगा, अपने को आंसर टैली हो जाएगा, डोंट वरी। बट अगर कुछ फ्रॉड एरर है, टैली नहीं हो रहा है, तो विल कम टू नो विद द हेल्प ऑफ पीआरएस, ठीक है? नाउ लेट अस टेक अनदर एग्जांपल, यू आर कंफर्टेबल विद द फर्स्ट वन? या ऐसा कभी होता है ना कि हम लोगों को पासबुक अपडेट करने जाना पड़ता है, उसमें एंट्रीज नहीं दिखता है, दिखता नहीं है, मतलब लाइट रहता है तो टाइपिंग करो दूसरा पासबुक बात लाइट डार्किंग का कुछ भी लेता है वो, तो उसको बोलने का ना क्या क्या है, डार्क करके दो मेरे को, डार्किंग वाले को वापस अपडेट करके दो, ऐसा बोलने इधर क्या बात चालू है कि एंट्री एक रूप में है कि नहीं, ओके 5 मिनट हुआ है, व्हाट एनर्जी लेवल हुआ है, व्हाट 5 मिनट नाउ दिस 9:35, दिस वाज वन रीजन ऑफ डिफरेंस, ओके। अनदर एग्जांपल, वी इश्यूड अ चेक ऑफ 7000 टू रहीम, वी इश्यूड अ चेक ऑफ 7000 टू रहीम, ओके, रहीम को हमने 7000 का चेक इश्यू किया, ओके, ऑन 29 जैन को 7000 का चेक रहीम को इश्यू किया, व्हेन विल बी पास द एंड, तो इधर मैं कर दूंगा बाय रहीम ऑन जो भी है 7000 ऑन 29 जैन 98। नाउ नाउ लुक एट द बुक्स, देयर वाज ऑलरेडी वन चेक ऑफ राम व्हिच वाज नॉट क्लियर्ड बाय द बैंक, राइट? आई डोंट नो, नाउ देयर इज वन मोर चेक ऑफ रहीम व्हिच आई हैव इश्यूड ऑन 29 जैन, ओके, रहीम डिड नॉट डिपॉजिट इट ऑन द सेम डे, ही वेंट फॉर अ हॉलीडे एंड ही इज, अभी भी उसके पास चेक पड़ा हुआ, विल दिस एंट्री कम इन द पासबुक ऑन द सेम डे, व्हाट विल हैपन टू बैलेंस सीडी, इधर तो 43 रहेगा, इधर क्या हो जाएगा, बाय बैलेंस सीडी विल नाउ बिकम 73 - 7 = 67000, करेक्ट, 85 - 90 तो यर द बैलेंस इज 66, यर द बैलेंस इज 43, अभी अंडरस्टैंड बैलेंस आर सेम और डिफरेंट, एट द एंड ऑफ द मंथ, एट द एंड ऑफ द मंथ आई चेक माई बुक्स, आई चेक माई कैश बुक, आई कंपेयर इट विद माई पासबुक, ओके, व्हाट इज द बैलेंस एज पर कैश बुक 66000, व्हाट इज द बैलेंस एज पर पासबुक 43, आर द सेम और डिफरेंट, सो शुड आई प्रिपेयर अ बीआरएस ऑर नो, आई हैव,
ओके सो आई स्टार्ट विद डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक. डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक इज हाउ मच 66,000. ओके व्हाट इज द क्रेडिट बैलेंस एज पर पासपोर्ट 43,000. आई नीड टू रिकंसाइल मतलब यहां से यहां पे जाना है प्लस माइनस करके जाना है कुछ तो रीजन ऑफ डिफरेंस है ठीक है. व्हाट आर द रीजन ऑफ डिफरेंस वन रीजन इज राम वन रीजन इज रहीम यस ऑर नो. राम का सीन तो हमने देखा अभी माइनस करना है क्या माइनस करना है 30,000 और ये रहीम को माइनस करना है कि प्लस करना है प्लस करोगे क्योंकि ये माइनस करोगे ये प्लस करोगे तो 43 आएगा. तो इधर प्लस क्या लिखूंगा मैं चेक इश्यूड बट नॉट क्लियर या नॉट प्रेजेंट है. चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंट आई एक्सप्लेन कीप इट अप. प्लस करूंगा चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड 7,000 तो ये टैली हो रहा है हो रहा है कि नहीं हो रहा. 66 माइनस 30 33 प्लस 7 इज 66 माइनस 30 इज 36 प्लस 7 इज 43 इट टैलीज. ओके सो द सेम थिंग विच वी डिड विद वन रीजन ऑफ डिफरेंस आई हैव डन विथ इट मे बी 3 इट मे बी 4 इट मे बी 5 एन नंबर ऑफ रीजन हो सकते हैं ठीक है. तो बोलने का मतलब जो भी रीजन ऑफ डिफरेंस है उसको हमें यहां पे प्लस या माइनस करते जाना है और फाइनल आंसर लेके आना है विच विल बी द बैलेंस एज पर पासपोर्ट. आर यू गेटिंग दिस. सो एक बार ये टैली हो गया मतलब मेरा सब रीजन ऑफ डिफरेंस मैंने नोट डाउन कर लिया. हाँ ये रीजन ऑफ डिफरेंस है पता चल गया. कुछ रिकॉर्ड नहीं करना है कुछ रेक्टिफाई नहीं करना है ये खाली रीजन ऑफ डिफरेंस बता रहे कि हाँ ये रीजन है. अभी क्या है अभी रीजन पता चल गया तो वी आर श्योर देयर इज नो फ्रॉड और नो अभी अपने को कुछ करना नहीं है. अभी ये चेक डिपॉजिट किया वी आर नॉट सपोज टू डू इट बैंक विल क्लियर इट आफ्टर 2-3 डेज एंट्री आ जाएगा पासबुक का बैलेंस विल टैली. आर यू अंडरस्टैंडिंग. अभी अलग है एक दो दिन बाद वापस सेम हो जाएगा. ये नहीं मैं ये प्रेजेंट कर लेगा चेक वो क्लियर हो जाएगा वापस बैलेंस सेम हो जाएगा. खाली बीच बीच में जब मंथ खत्म होते हैं जब मंथ खत्म होते हैं तो कुछ ऐसे एंट्रीज होते हैं जो एक महीने में रह गए इन कैश बुक बट दे विल अपीयर इन पासबुक इन द नेक्स्ट और इट मे हैपन द अदर वे राउंड. ओके लास्ट एग्जांपल ये सीन है अभी यहां पर बैंक हैज कलेक्टेड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ऑन 31 जनवरी. बैंक हैज कलेक्टेड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ऑन 31 जनवरी से ₹1,000. बैंक कलेक्टेड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ₹1,000. हु विल एंटर द ट्रांजैक्शन फर्स्ट बैंक विल एंटर ऑन विच साइड डेबिट और क्रेडिट. क्रेडिट साइड रिसीट पैसा आया आर यू कंफर्टेबल डेबिट क्रेडिट दिस इज पेमेंट दिस इज रिसीट. सो यहाँ पे सो व्हाट विल द बैंक एंटर बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स 1000 ऑन 31 जनवरी 19 करेक्ट और अभी हम भूल गए कि ये इंटरेस्ट हमने बोला था कलेक्ट करने को मैं भूल गया रिकॉर्ड करने का. आई रिकॉर्डेड इट इन कैश.